नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में भाजपा के क्लीन स्वीप, चारों लोकसभा सीटों पर दर्ज की जीत। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए चारों सीटें जीती हैं। वहीं विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 4 व भाजपा को 2 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शिमला संसदीय सीट पर भाजपा ने लगातार 4थी बार जीत दर्ज कर चौका लगा दिया। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और 2019 में भी इस सीट से सांसद चुने गए सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को 91,491 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। कश्यप ने कुल 519,748 वोट हासिल किए। वहीं विनोद सुल्तानपुरी को 428,297 वोट मिले। इस सीट पर 5,930 ने नोटा दबाया। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की जीत के बाद उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 2014 के बाद लगातार 4 सीटों पर जीत का इतिहास एक बार फिर दोहराया है। हिमाचल के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई है। लगातार भाजपा पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार। उन्होंने कहा कि जहां तक मंडी संसदीय सीट का सवाल है, यह देश भर में चर्चा में रही। हर कहीं हर कोई मंडी संसदीय सीट का जिक्र कर रहा था, मगर हमें भरोसा था कि मंडी में भाजपा का परचम फहराया जाएगा। मंडी की प्रभु जनता ने भाजपा को समर्थन दिया और यहां से कंगना रनौत को विजयी बनाया। 4 सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत, 2 सीटें ही जीत पाई भाजपा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 6 सीटों के लिए मतगणना हुई, जिसका परिणाम आ चुका है। 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के इंद्रदत्त लखनपाल जीते। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सुधीर शर्मा जीते। गगरेट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राकेश कालिया जीते। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विवेक शर्मा जीते। लाहौल स्पीति में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा की जीत हुई। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के रंजीत सिंह राणा जीते। हॉट सीट मंडी में क्वीन के सिर सजा जीत का ताज, विक्रमादित्य हारे बाजी। लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चित रही मंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के सिर जीत का ताज सजा है। कंगना ने मंडी की बाजी मार ली। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। संसदीय क्षेत्र मंडी के चुनावी रण में 10 प्रत्याशी उतरे थे। मंडी सीट पर देश भर की नजरें लगी हुई थी। मुख्य मुकाबला कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच ही रहा। कंगना ने कुल 537,022 वोट हासिल किए। वहीं विक्रमादित्य सिंह को 462,267 वोट मिले। इस प्रकार कंगना ने 74,755 मतों से जीत हासिल की। इस सीट पर 5,645 ने नोटा दबाया। भाजपा के जीत से समर्थकों में खुशी की लहर है। भाजपा ने शहरी मंच पर रैली निकाली और अपनी जीत की खुशी में पटाखे फोड़ मिठाइयाँ बांटी। इस दौरान कंगना रनौत, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, मंडी लोकसभा सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट देकर सबको चौंकाया गया था। हमीरपुर सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट हमीरपुर से भाजपा के अनुराग ठाकुर चुनाव जीत गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हमीरपुर की यह लोकसभा चुनाव में 5वीं जीत है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को हार का मुंह देखना पड़ा। संसदीय सीट हमीरपुर से अनुराग ठाकुर लगातार 5 चुनाव जीत गए हैं। वे 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। अब 2024 में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। अनुराग ठाकुर ने 607,068 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस के सतपाल रायजादा ने 424,711 वोट प्राप्त किए। इस तरह अनुराग करीब 182,357 वोटों से जीत गए। संसदीय क्षेत्र में 5,178 ने नोटा दबाया है। जीत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह जीत जनता की है। भाजपा ने हिमाचल की सभी 4 सीटें जीती। पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार बनाने जा रही है। अगले 5 साल हम हमीरपुर में और विकास करेंगे।
कांगड़ा सीट से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने दर्ज की बड़ी जीत। लोकसभा चुनाव 2024 में कांगड़ा से भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने हिमाचल में बड़ी जीत हासिल की है। इस चुनाव में भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया था। राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस के आनंद शर्मा को 251,895 मतों से पराजित किया। भारद्वाज को 632,793 वोट मिले। वहीं आनंद शर्मा को 380,898 वोट मिले। संसदीय सीट पर 6,372 ने नोटा दबाया, यानी किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। 58 वर्षीय डॉक्टर भारद्वाज पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह वर्तमान में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। वह पेशे से निजी चिकित्सक हैं। मूल रूप से कांगड़ा जिला के नूरपुर के रहने वाले हैं। भाजपा के सुरेश कश्यप ने लगातार दूसरी बार जीती शिमला सीट। लोकसभा चुनाव 2024 में शिमला संसदीय सीट पर भाजपा ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर चौका लगा दिया। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार और 2019 में भी इस सीट से सांसद चुने गए सुरेश कश्यप ने कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी को 91,491 मतों से हराकर जीत दर्ज की। कश्यप ने कुल 519,748 वोट हासिल किए। वहीं विनोद सुल्तानपुरी को 428,297 वोट मिले। इस सीट पर 5,930 ने नोटा दबाया। शुरुआती बढ़त एक दो विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर अंत तक बरकरार रही, जिसे विनोद तोड़ने में नाकाम रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों में सुरेश कश्यप की जीत का अंतर 327,515 था, जो 2024 में 90,548 रह गया। इन चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी अपने ही विधानसभा क्षेत्र से लीड बनाने में नाकामयाब रहे। उनके क्षेत्र से ही भाजपा के उम्मीदवार ने 3,360 मतों से बढ़त दर्ज की। हिमाचल में हिंदुत्व कार्ड पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिला फायदा, बोले मुख्यमंत्री। चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डाला है। इसमें राम मंदिर का मुद्दा भी शामिल है। सीएम ने कहा कि इसका असर हिमाचल व उत्तराखंड में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ 97% हिंदू आबादी है। सीएम ने कहा कि हमें खुशी है कि उपचुनाव में जनता ने ऑपरेशन लोटस को नकार दिया है। सीएम ने कहा कि इन्होंने सोचा था कि 34-34 विधायक कर लेंगे, लेकिन जनता ने हिमाचल के परिदृश्य में हमें वोट दिया। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि मोदी की लहर थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन असल बात रिलीजन भी है। उन्होंने कहा कि आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि उपचुनाव में तो हम जीत रहे हैं, लेकिन लोकसभा में मतदाता ने राष्ट्रीय परिदृश्य में वोट डाला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मंगलवार शाम राजधानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाता अलग अलग मुद्दों पर मत का इस्तेमाल करते हैं। सीएम ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं ने विधानसभा का चुनाव तो हमें जितवाया, लेकिन लोकसभा में भाजपा को। आज का सुविचार, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है।